रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। अगर आपको हमारी बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो इसके नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एग सैंडविच। तो ये देखिए, एग सैंडविच के लिए हम एक तवा पे थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी बटर किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सरसों का तेल में बना रही हूँ। तो ये देखिए, तवा पे हम फैला लेंगे अच्छे से, तवा को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो हम एग सैंडविच बनाएंगे। ये देखिए, ये ब्रेड है, ब्रेड का हम बीच का गोलाकार काट के निकाल लिए हैं और इसी को हम मोल्ड बना लिए हैं। इस तरह से आप किसी भी चीज़ से कटोरी रख के और आप काट सकते हैं या गिलास से भी मोल्ड बना सकते हैं। बीच का पोर्शन हमें निकाल देना है और एग को हम अब हम डालेंगे फोड़ के। ये देखिए, एक एग को हम डाल लिए और यहीं पे हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। तो उससे पहले हम थोड़ा एक को सेटल कर लेते हैं बीच में। तो ये जो एग सैंडविच है, ये बच्चों का लंच बॉक्स के लिए या सुबह का नाश्ता के लिए या बड़ों का नाश्ता के लिए भी बहुत ही फायदेमंद ब्रेड एग सैंडविच है ये। तो इसमें मैं कुछ सब्जियां भी यूज की हूँ जो कि हमारे हेल्थ के लिए और बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और देखिए, हम यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। इसमें मैं टमाटर प्याज स्लाइस काट के और जुकुनी का भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ। इसे बहुत ही हेल्दी बनाई हूँ मैं बच्चों के लिए। तो ये देखिए, हम डाल ले रहे हैं और यहीं पे हम डालेंगे। ये देखिए, ये आप सोच रहे हैं क्या है, तो ये चुकंदर है जिसे हम बीट भी बोलते हैं। तो ये बीट है जो कि बच्चे कभी भी खाना इसे पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप बना के देंगे उनको तो उनको पता भी नहीं चलेगा और वो खा भी लेंगे। और ये चुकंदर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पनीर काट के डाल ले रहे हैं। ये देखिए, पतला सा हम पनीर काट के डाल लिए हैं और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। स्वाद अनुसार काला नमक डालें आप, या आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन काला नमक से सैंडविच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहीं पे हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाला में भी हल्का सा नमक होता है, तो नमक थोड़ा आप कम ही डालें। ये देखिए, तो हम थोड़ा सा डाल रहे हैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स भी हम डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना डालें चिल्ली फ्लेक्स। तो हम थोड़े देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दिए हैं। अब फ्लेम हमारा लो है, पूरा प्रोसेस हमारा फ्लेम लो ही रहेगा, हाई नहीं करेंगे हम। ये देखिए, जुकुनी में डाल रही हूँ। तो जुकुनी को आप जितना पीस डालना चाहे 3-4 डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों को पता भी नहीं लगेगा और खा भी लेंगे। तो ये जो सुबह का नाश्ता है बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसे सुबह के नाश्ता में इसे फटाफट बनाएं और बहुत ही आराम से बना सकते हैं आप, जैसे कि मैं बना रही हूँ। देखिए, सुबह सुबह हर किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, बच्चों का लंच पैक करना होता है। तो ये देखिए, हम 2-3 मिनट के बाद एक और एग को हम तोड़ के डालेंगे। तो मैं फोड़ लेती हूँ एग को और अच्छे से हम डालेंगे। तो ये देखिए, ये किनारा में आ गया है थोड़ा, तो मैं सेटल करूँगी। ये देखिए कि बराबर हो जाए बिल्कुल। तो ये हमारा जो एग है चारों तरफ मिल गया है, तो अच्छे से हम इसे सेटल कर लिए चारों तरफ और ये अब रेडी है पकने के लिए।
ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, स्वाद अनुसार ही डालें, ज़्यादा नमक ना डालें आप, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। जैसा आपको पसंद हो वैसा मसाला आप यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो कद्दूकस करके और जो आता है मोजरेला का चीज़ वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है वो। तो ये देखिए हम इसे टर्न करेंगे, तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक टर्न करेंगे। तो एक हम और करछी का हेल्प से ऐसे सावधानी से पलटेंगे। ये देखिए कितना लजीज हमारा दिख रहा एग सैंडविच। तो ये बहुत जल्द फटाफट बन जाता है, मात्र 5 मिनट का टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आ रहा तो इसके नीचे लाइक ज़रूर करें, और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी हर रेसिपी का पता चलता रहेगा। ये देखिए हम अच्छे तरह से हिला हिला के चारों तरफ जो थोड़ा सा हम ऑयल डाले थे उसी से मैं पका रही हूँ, दोबारा मैं ऑयल का यूज नहीं की हूँ। तो ये जो नाश्ता है सुबह का बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पे हमारा एक सैंडविच बन के रेडी है। तो इसे मैं कटिंग कर ली हूँ बीच से, देख सकते हैं आप, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और बच्चों के लिए ये बहुत ही लुभावना है। तो आप इस तरह से बनाएं और अपने घर पे खाएं, सुबह के नाश्ते में ज़रूर बनाएं इसे। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आ रहा तो इसी तरह से जुड़े रहें रोज़ाना खाना के साथ।